आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यू थिंक लालन गार्डन जाने के लिए निकलता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उस जगह के गार्ड से मिलता है। गार्ड, मिस्टर यूथिंग, आप यहाँ 2 साल के बाद आए हो। यूथिंग गार्ड से पूछता है, युलान यहाँ कब से नहीं आई। गार्ड, युलान भी यहाँ 2 साल से ही नहीं आई, पर उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, कैसी है। यूथिंग अंदर रूम में जाता है जहाँ युलान की मॉम की फोटो के पास एक बॉक्स रखा था। यूथिंग जब उसे खोल कर देखता है तो उसमें कुछ लेटर्स होते हैं। यूथिंग सोचता है शायद ये वो लेटर्स हैं जो युलान अपनी मॉम को लिखा करती थी, और फिर वो उन लेटर्स को रीड करने लगता है। फर्स्ट लेटर में युलान ने अपने हाई स्कूल डेज के बारे में लिखा था कि मॉम, आज हमारे स्कूल में बास्केटबॉल कंपटीशन था और यूथिंग की टीम विनर थी। यूथिंग बास्केटबॉल खेलते हुए बहुत हैंडसम लग रहा था। यूथिंग हंसकर कहता है, मेरी पक्की फैन गर्ल है ये। आगे लेटर में लिखा था कि मॉम, मुझे पता है कि मैं यूथिंग के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मैं उसे लाइक करती हूँ। यूथिंग कहता है, लायक तो मैं तुम्हारी नहीं हूँ। युलान, मैं तो तुमसे कन्फेस भी नहीं कर पाया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सेकेंड लेटर में लिखा था कि मॉम, सिटी में अर्थक्वेक आया। यूथिंग कंपनी में था और सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया। मैं उसे बचाने गई और उसे बचाते बचाते मेरे सर में भी लग गई, जिस वजह से मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो पता चला कि यूथिंग को लग रहा है कि उसे यूई ने बचाया है, तो तब से ही वो यूई को डेट करने लगा। उसे पता ही नहीं कि उसे मैंने बचाया था। यूथिंग को सारा सच पता चलता है। सारे लेटर्स रीड करने के बाद वो अपसेट हो जाता है और कहता है, मुझे क्या हुआ, मैं इतना हार्ट ब्रोकन फील क्यों कर रहा हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि युलान को कैसा फील होता होगा जब मैं उसे हर्ट करता था। तभी वहाँ यूई गुस्से में यूथिंग के पास आती है और कहती है, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है उस एक्ट्रेस के साथ। यूथिंग, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। यूई, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि युलान को डाइवोर्स देकर तुम उससे शादी करोगे। यूथिंग, युलान का नाम तो तुम लो ही नहीं, और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। यूथिंग अपने फ्रेंड शियांग से कहता है कि वो कुछ भी मेथड्स यूज करके युलान को ढूंढे। शियांग, तुम टेंशन नहीं लो, सब मुझ पर छोड़ दो। यूथिंग को समझ आता है कि युलान को ना समझकर उसने कितनी बड़ी गलती की है लाइफ की। देन यूथिंग शियांग शियांग के पास जाता है युलान के बारे में पूछने के लिए, पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि युलान कहाँ है। यूथिंग, युलान तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें ना पता हो कि वो कहाँ है। वैसे तुम्हारा भाई मैंग कहाँ है। शियांग शियांग, मुझे नहीं पता। यूथिंग, श्याओ श्याओ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं तुम्हारा बिजनेस बंद करवा दूंगा। श्याओ श्याओ, मुझे तो बस इतना पता है कि मैंग और युलान साथ में ये सिटी छोड़कर गए हैं, और शायद वो दोनों अब्रॉड गए होंगे। कहाँ गए हैं ये मुझे नहीं पता। इतना जानकर यूथिंग वहाँ से चला जाता है और श्यांग से जाकर मिलता है। उसे सारी बात बताता है जो उसे श्याओ श्याओ ने बताई थी। यूथिंग, श्यांग तुम्हें क्या लगता है, युलान मैंग को लाइक करने लगी है। श्यांग, तुम ना एक नंबर के बुद्धू हो। सबको पता है कि युलान तुम्हें लाइक करती है, पर तुम ही ये बात समझ नहीं पाए, और अब तुम्हारी वजह से ही मैंग को युलान मिल गई। इधर यूई के डैड बता रहे होते हैं कि उनकी कंपनी का तो दिवालिया हो गया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, अपनी कंपनी को बचाने के लिए कहां से पैसे लाएं। तभी यूई कहती है, डैड आप टेंशन नहीं लो, हम लालन गार्डन को गिरवी रख देते हैं जिससे हमें पैसे मिल जाएंगे। डैड, मैंने ऑलरेडी लालन गार्डन को गिरवी रखने की कोशिश की थी, पर उस यूथिंग ने मेरे पेपर्स अप्रूव नहीं होने दिए। पता नहीं वो क्या चाहता है। मॉम उन्हें सजेस्ट करती है कि वो यूई के साथ यूथिंग से मिलने जाए, क्योंकि यूथिंग के लिए यूई इम्पोर्टेंट है और वो यूई की बात जरूर मानेगा। डैड, ठीक है। नेक्स्ट डे शियांग यूथिंग को जल्दी से मिलने बुलाता है। यूथिंग उसके पास पहुंचता है और पूछता है, क्या हुआ। शियांग, मुझे युलान मिल गई, वो और मैंग न्यूजीलैंड में रह रहे हैं आइडेंटिटी बदल कर। पर लास्ट मंथ ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट में युलान और उसके 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। यूथिंग, मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि युलान अब कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो ये बच्चा कहाँ से आया। श्यांग, युलान को जाए 2 साल और 9 महीने हो चुके हैं, इसलिए वो बच्चा मैंग का होगा, तुम्हारा नहीं। यूथिंग, मुझे बच्चे से मतलब नहीं है, मैं बस युलान से मिलना चाहता हूँ, तुम कुछ भी करके उसे ढूंढो। देन यूथिंग अकेला सी साइड जाकर खड़ा हो जाता है और युलान की मैरिज रिंग देखकर कहता है, युलान तुम मुझे 11 सालों से लाइक करती थी, फिर भी मुझे छोड़कर चली गई और किसी और से शादी कर ली, ये तुम्हारा कैसा प्यार था। पर तुम कहीं भी जाओ, तुम सिर्फ मेरी वुमेन रहोगी और मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है और रोने लगता है। फिर यूथिंग मैरिज रिंग को फेंकने वाला होता है, पर श्यांग उसे रोक लेता है। नेक्स्ट डे यूई अपने डैड के साथ लालन गार्डन जाती है यूथिंग से बात करने।
वही युतिंग यूलान के गम में था। डैड, फाइनली तुम हमें मिल ही गए। युतिंग, आप इस प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते। यूई युतिंग के पास आकर उसको मनाती है और वो डैड की हेल्प करने के लिए मान जाता है। युतिंग, ठीक है मैं हेल्प करूंगा, पर आपको मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव नहीं करेंगे। डैड, मैं तुम्हारे पास गिरवी रखता पर मेरे सारे असेट्स ऑलरेडी गिरवी रखे हैं। युतिंग, तो आप यूलान की मॉम के शेयर्स गिरवी रख दो जो यूई के पास है। यूई, पर वो तो मेरे हैं। युतिंग, तो तुम भी तो फैमिली का हिस्सा हो ना, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो तुम उन शेयर्स को वापस ले लेना। यूई शेयर्स देने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ा टाइम निकल जाता है और युतिंग लीगली तरह से यूई की फैमिली का सब कुछ अपने अंडर कर लेता है। डैड युतिंग से मिलते हैं और कहते हैं, तुमने हमारा सब कुछ अपने अंडर क्यों कर लिया? युतिंग, क्योंकि आप लोग ये डिजर्व करते हैं, मैंने यूलान के शेयर्स यूई से वापस ले लिए। डैड युतिंग, इसका मतलब हमारे साथ जो सब हुआ वो तुमने करवाया था, तुम हमारे अगेंस्ट गए। युतिंग, पहले तो मैंने सोचा कि शेयर्स लेकर मैं आप सबको छोड़ दूं, पर जब मुझे पता चला कि यूलान मर चुकी है तो मैंने उसके लिए आप लोगों से बदला लिया। डैड, क्या यूलान मर चुकी है? युतिंग, हाँ वो भी आप लोगों की वजह से। अब जब आप लोगों ने यूलान को बुरी तरह से ट्रीट किया तो मैं आप लोगों पर दया नहीं कर सकता। डैड, तुम क्या करने की सोच रहे हो? युतिंग, आप लोगों ने मेरा यूज करके यूलान से उसके शेयर्स यूई को दिलवाए, अब मैं आपकी कंपनी को ही स्टॉक मार्केट से गायब कर दूंगा। डैड, तुम मुझे इस तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? मैं यूलान का डैड हूँ। युतिंग, तुम ये डिजर्व ही नहीं करते, और मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ, अपना सारा सामान पैक करो और यहाँ से जाओ, दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना। देन युतिंग सोचता है, यूलान, मैं उन सबसे बदला ले रहा हूँ जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। नेक्स्ट मॉर्निंग यूई युतिंग के पास आती है और कहती है, क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? बाहर बहुत ठंड है और मैं अपने डैड के रेंटेड हाउस में रहना नहीं चाहती। युतिंग उसे घर में रहने देता है और उसे यूलान के कुछ वार्म क्लॉथ्स देता है पहनने को। यूई, यूलान के कपड़े तुमने अभी तक नहीं फेंके? मैं इन्हें नहीं पहनूंगी। युतिंग, पहनना है तो इन्हें पहनो, नहीं तो यहाँ से जाओ। यूई, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो मुझे लाइक करते हो ना? युतिंग, नहीं, मैं सिर्फ यूलान को लव करता हूँ, बचपन से ही मैं उसे लव करता था, बस अपनी फीलिंग्स तुम्हारे गंदे प्लान्स की वजह से समझ नहीं पाया। रात के टाइम रूम में यूई यूलान की ड्रेस पहने हुई थी तो उसे मिरर में यूलान की इमेज दिखती है, वो बहुत डर जाती है। नेक्स्ट डे शियांग युतिंग से मिलने आता है तो वो यूई को यूलान के कपड़ों में देखकर डर जाता है, उसे लगता है कि उसने भूत देख लिया। युतिंग उसे बताता है कि वो यूई है। शियांग युतिंग से कहता है, यूई यूलान कभी नहीं बन सकती, यूलान मर चुकी है, इसलिए तुम पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, खुद को इस तरह परेशान नहीं करो। शियांग युतिंग को अपने साथ बिनहाई चलने को कहता है क्योंकि किसी प्रोजेक्ट में उसे उसकी हेल्प लेनी है। युतिंग जाने के लिए मान जाता है। दोनों बिनहाई सिटी पहुंचते हैं। युतिंग सी साइड खड़ा होकर यूलान के बारे में सोच रहा था तभी वहां एक वुमेन आती है अपने बच्चे के साथ। युतिंग की नजर उस बच्चे पर पड़ती है और फिर उसकी मॉम पर। वो वुमेन कोई और नहीं बल्कि यूलान होती है। यूलान भी युतिंग को देख लेती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और इसी के साथ पार्ट 3 एंड होता है।